वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। अरुण जेटली ने लिखा है कि चुनाव में परिवारवाद कांग्रेस के लिए बोझ साबित होगा। अपने ब्लॉग में अरुण जेटली ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण से साफ हो गया है कि नतीजे एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। ब्लॉग में अरुण जेटली ने जाति और परिवारवाद पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने लिखा कि गांधी परिवार का चुनाव अभियान में असर फीका रहा है। जहां जहां मुकाबला सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच है, वहां बीजेपी मजबूत है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में क्षेत्रीय दलों को कुछ चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं। 2014 में लेफ्ट का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, इस बार उसके और खराब होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद है, खासकर 35 साल के नीचे के लोग मोदी को पीएम बनते देखना चाहते हैं। एनडीए का अभियान मुद्दों पर आधारित है, जबकि विपक्ष केवल मोदी को हटाने का अभियान चला रहा है। कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोलते हुए अरुण जेटली ने लिखा कि जब सोच सामंतवादी हो तो परिवारवाद पनपता है, जब तक नेता करिश्माई हो तब तक तो परिवारवाद फलता फूलता है, लेकिन कांग्रेस नेता की अगुवाई में अगर पार्टी लोकसभा में 44 से 60 सीटें जीतती है तो ऐसे व्यक्ति को नेता मानने में कई पार्टी सदस्यों को दिक्कत हो सकती है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों में कुछ बड़े नाम भी रहे हैं। भारत में जिस तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है उसमें परिवारवाद के लिए जगह नहीं है। परिवारवाद का मतलब राजनीतिक दास्ता है। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी जैसी पार्टी की ओर देखते हैं, जहां टैलेंट की कद्र की जाती है और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। बीजेपी ने भारत को दो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दिए, जो अपने समय के सबसे बड़े राजनेता रहे हैं। ऐसा परिवारवाद पर चल रही पार्टी में नहीं हो सकता। अरुण जेटली ने लिखा है कि मौजूदा कांग्रेस नेता पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं। परिवारवाद की तरह अरुण जेटली ने जाति पर सियासत करने वाली पार्टियों पर भी निशाना साधा। अरुण जेटली ने लिखा है कि इनेलो टूट चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि विधानसभा में केवल 19 सीटें मिली। 2014 में समाजवादी पार्टी कुछ परिवार वालों की ही सीट बचा पाई। आरजेडी दो सीटों तक सिमट गई। कहा जा सकता है कि बदलते सामाजिक आर्थिक माहौल में जातिगत राजनीति के लिए जगह नहीं है और जल्द ही ऐसी पार्टियों का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि जहां राष्ट्रीय पार्टियों ने जमीन खोई है वहां क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। उत्तर भारत की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी अब मध्य और पश्चिमी भारत में भी जम चुकी है, जबकि पूर्व में इसने बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। इस तरह बीजेपी ने बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रीय दलों की जगह अपना प्रभाव बढ़ाया है। कर्नाटक में अब बीजेपी मुख्य पार्टी के तौर पर उभर चुकी है। केरल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। 18 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में पीएम की रैली में भीड़ बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का गवाह है। 2019 चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और जाति परिवारवाद को नकारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।